पिंकू बंदर जंगल से निकलकर सड़क किनारे ट्रक पर से गिरने वाले केले, आम, सेब लपक लपक कर खा रहा होता है। तभी एक बड़े से ट्रक से एक पंखा गिर पड़ता है, जिसे देखकर पिंकू बंदर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू देख तो ये क्या बला है, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, जरा इसे देख तो, इंसान की दुनिया में इसे क्या कहते होंगे। अरे अपुन को क्या पता इसे क्या कहते होंगे, अपुन तो बस पूरे दिन काँव काँव करता है, खाना खाता है और सो जाता है। पिंकू उस पंखे को घुमा घुमा कर देख रहा होता है, तभी उसे उस पंखे में एक लाल रंग का बटन दिखता है, जिसे वो दबा देता है और पंखा चल जाता है। पंखे से तेज तेज हवा चल रही होती है और उस हवा में पिंकू को बहुत मजा आ रहा था। भाई लोग ये तो जादू ही हवा देने वाला पंखा लगता है, बोले तो इसको बिड़ू, इसके सामने तो अपुन भी ठीक नहीं पड़े लाए। ये पंखा मैंने उठाया है तो ये पंखा अब मेरा हुआ। और कालू तू जंगल में जाकर ये खबर सब तक पहुंचा दे, पिंकू के हाथ एक जादुई पंखा लगा है जिसको छूने से आंधी से भी तेज हवाएं चलने लगती है और पल भर के लिए सांसें भी थम जाती है। अभी जाता है मैं सब भाई लोगों को बताने को कि आप उनके पिंकू भाई को जादुई पंखा मिले लाए। कालू तो उड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल पड़ता है और पिंकू बंदर पंखे को लिए जंगल में पहुँचता है, लेकिन उससे पहले ही कालू जंगल के सभी जानवरों को जादुई पंखे के बारे में बता देता है। अरे क्या बात कर रहा है कालू, जादुई पंखा, वो भी जिसे छूने से हवा चलने लगती है, मैं भी उसे देखना चाहूँगी, लेकिन पिंकू रह कहाँ गया है। पिंकू भाई आ रेला है, अभी अभी अपुन के सामने चाहिए जादू वेला है और अपुन को तो एक पड़ के लिए लगा जैसे अपुन अब सीधे उड़कर स्वर्ग जाने वाला है। मियाओ मियाओ, सच बताऊं तो ये पंखा इंसानों की दुनिया का लगता है। अरे हट मियाओ मियाओ की बच्ची, तुझे मेरे पंखे को छूने के लिए किसने कहा है। मियाओ मियाओ, सच बताऊं तो पिंकू ने जरूर ये पंखा कहीं से चुराया है। ज्यादा शान पट्टी नहीं दिखाने का, आपुन इधर ही तेरा म्याओ म्याओ निकाल डालेंगे रे, समझी क्या शानी, शाने कौवे से शान पट्टी ने रखो। कालू भाई म्याओ म्याओ के मुंह नहीं लगते। पिंकू के हाथ एक ऐसा पंखा लगा है जो हाथ लगाने से ही चल पड़ता है और जंगल के सभी जानवर इस जादुई पंखे को देखने आया करते, लेकिन पिंकू भी कम नहीं था, वो इस जादुई पंखे का फायदा उठा रहा था और इस जादुई पंखे को चला कर दिखाने और इसकी हवा को महसूस करवाने के लिए सबसे खाने को सामान मांग रहा था। हर कोई उस जादुई पंखे को देखने और उसकी हवा को महसूस करने के लिए पिंकू के लिए फल और खाने की चीजें लाया करता। हालांकि पिंकू का चेला कालू कौवा बन चुका था। तेरे को कितनी बार समझाएला है रे, लाइन में आने का लाइन में, अभी तू अपुन का दिमाग गरम कर रही है। म्याओ म्याओ, सच बताऊं तो ये जादुई पंखा तो बहुत ही प्यारा है। कालू भैया जल्दी से मुझे पंखे की हवा खानी है। म्याओ म्याओ की बच्ची, अपुन के लिए क्या लाई लिए तू। कालू भैया म्याओ म्याओ, सच बताऊं तो मैं आपके लिए रोटी लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म और ताजा रोटी है, पास के घर से चुरा कर लाई हूँ जो जंगल के उस पार है। जिंदगी में पहली बार सही काम करे लिए तू, क्या बात है क्या बात है। सबको लाइन में ले कालू और सबसे बराबर खाना लेते रहना और जो खाली हाथ आया है उसे लौटा दे। एकदम कड़क खाने की बीच भाईचारा रखो। पिंकू अब धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था। इतना ही नहीं पिंकू का वजन भी काफी बढ़ गया था क्योंकि वो बैठा बैठा खाना मंगवा कर खाने जो लगा था और जादुई पंखे की हवा के लिए वो लोगों से अच्छा खासा खाना पीना जो वसूल कर रहा था। गजनी बहन, आज मैं जब पिंकू के उस जादुई पंख से हवा खाने गई तो कालू ने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि जब तक खाने पीने की चीजें नहीं लाएगी तब तक हवा तो क्या पंखा भी नहीं देखने दूंगा। ये तो तू ठीक कह रही है, इस कालू और पिंकू की मनमानी कुछ ज्यादा ही हो रही है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा वरना दोनों बैठे बैठे खा खा कर सुअर होते जा रहे हैं। लेकिन कहावत में तो हाथी है कि खा खा कर हाथी होते जा रहे हैं, फिर ये सुअर कहाँ से आया। तो तू क्या चाहती है, मैं खुद ही बदनामी करवा लूँ
खैर ये बात अभी तक जंगल के राजा गजोधर तक नहीं पहुँची है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही पिंकू को गजोधर ही सबक सिखाएंगी, क्योंकि पिंकू सिर्फ जंगल के राजा गजोधर से ही डरता है। अब जैसे तैसे ये बात गजोधर तक पहुँच ही जाती है। क्या बात है, सुना है जंगल में पिंकू जादुई पंखे का खेल दिखा रहा है। मैं भी वही खेल देखने आया हूँ। कहाँ है कालू तुम्हारा मालिक? पिंकू भाई, कोई गजोधर आयला है अपना जादुई पंखे का जादू देखने वास्ते। कौन है गजोधर? अरे तू जंगल के राजा का नाम कैसे ले सकता है? कहाँ है वो? अरे अपुन भी भूल गया था कि आपके सिवा इस जंगल का शहंशाह गजोधर ही है। अब तुम दोनों ने मुझे पहचान लिया है तो मुझे जादुई पंखा भी दिखा दो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उस पंखे में। पिंकू भाई, क्या इसे अपुन भी कर लेगा क्या? तू क्या चाहता है, इसके हाथों में मर जाऊं? चुपचाप इसे आने दे और पंखा देखकर जाने दे। अब पिंकू पेड़ से नीचे उतर कर आता है और अपना जादुई पंखा दिखाते हुए पंखे का बटन दबाता है और पंखा चलने लगता है। हालांकि ये पंखा बैटरी पर चलने वाला पंखा था, जिसके बटन दबाते ही ये चल पड़ता, और जंगल के जानवरों को ऐसा लग रहा था कि पिंकू कोई जादू कर रहा है। ये तो बड़े ही कमाल की चीज है, रात को इसे लगा कर सो जाओ तो ऐसा लगता है स्वर्ग में सो रहे हैं। अब तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अपुन के होते हुए अपुन के मालिक का सामना अपुन भी देखता है, कैसे तू लेकर जाता है रे? जंगल का राजा होने के नाते अपुन भी तेरे को पंजा मारकर इस जादुई पंखे को लेकर जाता है, समझा क्या शाणे कोवे? पिंकू भाई का चेला है अपुन, दिखने में बस शॉर्ट है रे ले, कारनामे बहुत ही बड़े बड़े किए ले अपुन ने। मालिक आप ये पंखा ले जाओ, जान बची तो दूसरा दिखा लूंगा, लेकिन अभी आप इसे ले जाओ। और कालू तू क्या अपुन का चेला झमेला कर रहा है, जान प्यारी है या नहीं? पिंकू तक तो पंखा ठीक था, लेकिन जब जंगल के राजा गजोधर के पास वो जादुई पंखा पहुंचता है तो गजोधर पिंकू से भी ज्यादा मनमानी करने लगता है। उसने तो जादुई पंखे का खेल दिखाने के लिए जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। गजनी बहन, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से जंगल के जानवरों की जान जा रही है, वो भी उस जादुई पंखे की वजह से। जो भी वो जादुई पंखा देखने जाता है गजोधर उन्हें ही मार कर खा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ये पंखा एक ना एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, और लो मुसीबत आ भी गई। अब बताओ मैं क्या करूं? मियाओ मियाओ, सच बताऊं तो आप ही कुछ कर सकती हैं गजनी बहन। अपुन भी बहुत शर्मिंदा है, अपुन को भी समझना चाहिए था, पिंकू तो है चितकम दिमाग का। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूं? शेर यानी जंगल के राजा इस गजोधर से लड़ पाना किसी के वश में नहीं है, वह महाबली ताकतवर है। आप कहती हैं तो अपुन उस गजोधर का ध्यान भटकाता है, इतने में उस पंखे को जाकर नदी में डालाओ, सारा झमेला इच खत्म। हाँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सारी मुसीबत की जड़ यही पंखा है। अपुन तो गजोधर का ध्यान भटकाने के लिए रेडी चे, बाकी का काम तुम लोग देख लेना। जंगल के जानवर धीरे धीरे कम हो रहे थे, जिन्हें गजोधर अपने जादुई पंखे का जादू दिखाने के साथ ही खा जाया करता। लेकिन जंगल के बचे कुचे जानवर उस पंखे को नष्ट करने का प्लान बनाते हैं, और कालू गजोधर को परेशान करता हुआ उसका ध्यान भटकाता है, और गजोधर भी कालू को पकड़ते हुए जंगल में इधर उधर भागने लगता है। तभी गजनी गजोधर की गुफा में पहुंचती है और अपने भारी भरकम पैरों से उस जादुई पंखे को कुचल देती है। मियाओ मियाओ, सच बताऊं तो इसका अंत तो होना ही था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि मैं इस पंखे के चक्कर में अपने दोस्तों अपने जंगल के जानवरों से अलग हो चुका था, और मेरी वजह से कई जानवरों की जान भी गई। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। जहाँ एक तरफ गजोधर अभी भी कालू का पीछा कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ जादुई पंखे का अंत हो चुका था। और जब गजोधर अपनी गुफा में वापस लौट कर आता है तो वो उस जादुई पंखे को चूर चूर देखकर समझ जाता है कि ये जंगल के जानवरों का ही किया धरा है। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, अब वो बस हाथ मलता रह जाता है।